Now guys, come to the question. The adjoining diagram is frequency polygon for this course of students in a test. Okay? So, यहाँ पर एक ग्राफ के वैन है, उसमें क्या बता रहा है? Frequency polygon बता रहा है, okay? So, देखते हैं ग्राफ को. X axis क्या इंडिकेट कर रहा है स्कोर्स को एंड Y axis क्या इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? ओके, सो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है. यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 0 से 45 तक. इट मीन्स 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. ओके, बट देख सकते हैं कि 15 लोग को 400 मिला है, 450 मार्क्स 30 स्टूडेंट्स को मिला है, 500 मार्क्स 35 स्टूडेंट्स को मिला है, 550 मार्क्स 30 स्टूडेंट्स को, 600 मार्क्स 25 स्टूडेंट्स एंड आफ्टर दैट 750 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स एंड 800 मार्क्स 20 स्टूडेंट्स. ओके, सो इसको फाइंड आउट करना है. राइट हियर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू फर्स्ट 400 का कहा है 15 स्टूडेंट्स, सो राइट हियर 50 प्लस 450 के कितने हैं 30, सो राइट हियर 30 प्लस 500 के कितने हैं 35, सो राइट हियर 35 प्लस 550 के कितने हैं 30 एंड आफ्टर दैट राइट हियर 30 प्लस 600 के कितने हैं 25, सो राइट हियर 25 प्लस 750 के कितने हैं 20 स्टूडेंट्स, सो राइट हियर 20 प्लस नाउ लास्ट 800 मार्क्स कितने लोगों के आए हैं 20 स्टूडेंट्स के, सो राइट हियर 20 स्टूडेंट्स. ओके, इसको ऐड करेंगे सो आ जाएगा आपका 175 स्टूडेंट्स टोटल है. सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 175, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके,